फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर डिब्बी वाला डिजाइन लेकर आई हूँ। ये 6 6 का मल्टीप्लाई किया गया है। ये दोनों साइड से बनता है। ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक साइड है। इसको मैंने जैकेट में डाला है और मैं कुछ लाइनें आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये देखिए कितना सुंदर बना है। अब मैं इसको बनाना बताऊंगी, ये कैसे बनाया गया। ये देखिए, एक फंदा हम स्लिप करेंगे, फर्स्ट रो इस प्रकार से डालनी है और फिर यहाँ पर ये देखिए आप, ये 4 फंदे जो हैं हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और 4, 4 फंदे सीधे बुने, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, फिर 4 फंदे सीधे। 6 6 का मल्टीप्लाई यानी कि 6 6 फंदों की डिजाइन है ये। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर 6 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 6 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे। इस तरह से हमने पूरी रो को कंप्लीट करना है। और ये बॉर्डर बनाने के बाद, ये पहली रो है हमारी, फर्स्ट रो जिसको बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ 4 फंदे सीधे और 1 फंदा स्लिप किया है। इस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो डाली है। अब सेकंड रो, ये देखिए आप, इधर से सेकंड रो, ये 5 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, 1 2 2 फंदे सीधे, 2 3 4 फंदे उल्टे, 1 2 सीधे, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 1 फंदा ये, 2 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं हमने दोनों साइड एक एक। अब आगे देखिए, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे। इस प्रकार से हमें 4 रो डालनी है। ये 3 रो है, 4 रो हमें इसी तरह से डालनी है, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा। 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, ये 4 फंदे सीधे। ये देखिए, 3 रो होगी कंप्लीट। अब 4th रो, ये 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे,
ये 4 रो हमारी कंप्लीट हो गई और इसी तरह से हमने 4 रो बनानी है। अब 5th रो है जो वो कैसे डालनी है, अब यहाँ पर देखिए आप 4 रो इस तरह से डलेंगे और 5th रो यहाँ पर देखिए, ये फंदा स्लिप किया, इस सेकंड वाले फंदे को अपनी तरफ लिया पीछे से और वापस इसी पर रखा, आगे धागा किया और उल्टा बुन लिया, धागा पीछे किया, इस फंदे को फर्स्ट वाले को सीधा बुना और अब यहाँ पर ये सेकंड वाला फंदा है इसको आगे की साइड से इधर ले के लें और सीधा बुन लें, फिर धागा आगे करके इस फंदे को फर्स्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लें, ये 2 फंदे उल्टे, ऐसे ही यहाँ पर पीछे वाले फंदे को, ये सेकंड वाला फंदा है इसको ऐसे आगे ले लें और इस तरह से इसको पहले उल्टा बुन लें, धागा पीछे किया, इस फंदे को सीधा बुन लिया और जो ये फर्स्ट वाला फंदा है इसको पीछे से इधर कर ले और सेकंड वाले फंदे को यहाँ पर डाला और इस तरह से सीधा बुना, धागा आगे करके यहाँ पर 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये इधर से आएगा जो वो ये वाला, ये 4 फंदा हो जाएगा, ये 4th, धागा पीछे, ये फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा, ऐसे इधर से इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, ऐसे 1, 2, 3 और ये 4th, धागा पीछे, ये देखिए इस फंदे को ऐसे बुना, धागा आगे किया और आगे वाले फंदे को उल्टा बुन दिया, ये दोनों फंदे उल्टे बुने जाएंगे, इधर से जो फंदा आएगा ये भी हमारा उल्टा बुना जाएगा, धागा पीछे करके इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, इधर से ऐसे ही ले लें, इस बीच वाले फंदे को बाहर निकालें और पीछे वाले फंदे को आगे रख के सीधा बुने, ये फंदा उल्टा और ये फंदा सीधा, इस तरह से हम अपनी डिब्बी चेंज करेंगे। अब उल्टी साइड से देखिए, ये फंदा हमने उल्टा बुना था, ये देखिए ये 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, यहाँ पर 2 फंदे सीधे 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे 2 फंदे पूरी रो इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है। फोर फंदे सीधे हैं, 2 फंदे उल्टे हैं, अब ये हमारी एक डिब्बी कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर दूसरी डिब्बी कैसे बनानी है आपको, ये देखिए, अब यहाँ देखिए ये जो 2 फंदे हमारे सीधे हैं इनके ऊपर हम उल्टे लेकर आएंगे, आगे धागा किया, यहाँ पर ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे,
और ये फोर फंदे जो हैं ये सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, ये फोर फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, फोर फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर फोर फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे। इस तरह से जो फर्स्ट रो डाली थी हमने उसी प्रकार से डालनी है, लेकिन डिब्बी चेंज करनी है। जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनके ऊपर सीधे करने हैं, जो फंदे हमारे सीधे हैं उनके ऊपर उल्टे करने हैं। इस तरह से दूसरी डिब्बी, बाकी सब इसी प्रकार से बनाना है। ये देखिए कितना सुंदर बना है। इसको आप किसी चीज़ में भी डालिए, किसी प्रोजेक्ट पर भी डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।